टाटा आईपीएल 2024 का मैच नंबर 19 जो राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर आरसीबी को बैटिंग करने का न्योता दिया और जब आरसीबी बैटिंग करने उतरी तो जो होता आया है आज भी वही हुआ। हर साल की भांति इस साल भी कोहली चचा जो रन बनाएंगे वही डिफेंड करना है। सोचो तो आरसीबी टोटल इस मैच में 183 रन बनाया, इसमें से अकेले कोहली चचा के 113 रन और बाकी सब मिलकर मात्र 70 रन ही जोड़ पाए, उसमें से भी 44 रन तो डुप्लेसी का ही है। ये सबसे कभी भी कुछ नहीं होने वाला, ये सब कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए मैदान में उतर जाता कि हम भी आरसीबी का हिस्सा है। होना जानी तो ये सबसे कुछ नहीं है। 5 मैच अभी तक आरसीबी खेली है जिसमें से ये बंदर के जनन के बैट में अभी तक जंक ही लगा हुआ है, सिर्फ करोड़ों पैसा लेगा। वैसे और कब तक विराट चचा अकेले रन बनाएंगे? कोहली चचा 72 बॉलों पर 12 चौके और 4 छक्के की मदद से 113 रनों की पारी खेली। ऐसे में लग रहा है 2016 का खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ेगा ये, कहीं इस बार 1000 रन ना पार हो जाए एक सीजन में। क्या बैटिंग की है। और वहीं बात करें राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की तो ये शुक्ला आज भी 2 विकेट झटक ही लिया और ये पिज्जा बर्गर को भी 1 विकेट मिल गया। इसके अलावा सभी की पिटाई हुई है। अपने पिछले मैच का हीरो बोल्ट आज इसे खुद 440 बोल्ट का झटका लगा है। वे अपने 3 ओवरों में 10 की इकोनॉमी से 30 रन पिटाया। इसके साथ ये बंदर के जना आवेश खां जो खुद को यॉर्कर किंग बोल रहा था, इसकी भी पिटाई अच्छे से हुई है। वे अपने 4 ओवरों में 46 रन लुटाया। इसके पीछे तो विराट चचा हाथ मुंह धोकर पड़ गया था, मार के धागे उधेड़ दिया। गलती से एक मैच नहीं जिता दिया कि पापा की परी की तरह हवा में ही उड़ने लगा। और जब राजस्थान रॉयल्स 183 रनों का पीछा करने उतरी तो स्टार्ट तो धीमा से ही किया था 4 ओवरों में 24 रन के साथ, लेकिन इसके बाद आरसीबी के बॉलरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और मैच को 6 विकेटों से जीत गए, जिसमें से मैच के हीरो रहा ये बटलर जो 58 बॉलों पर 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 109 रनों की पारी। ये भी विराट चचा के रिकॉर्ड के पीछे पीछे चल रहा है। विराट चचा के 8 शतक हुए हैं तो इसके भी 6 शतक हो गया है पूरे आईपीएल। और इसके साथ साथ ये सैमसंग भी आज आईफोन की गति से खेला है। ये 42 बॉलों में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 69 रन बनाया। और वहीं बात करें आरसीबी की बॉलिंग की तो टोपली को छोड़कर सभी की पिटाई ठीक ठाक से हुई। सच में आरसीबी का कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, इसके किस्मत में सिर्फ और सिर्फ टीका ही है। अभी तो ये ठीक ठाक बॉलर खरीद ले तो नहीं सिर्फ पैसे की बर्बादी करे। ये हारा को 17.5 करोड़ क्यों दिया है? ना इससे बैटिंग होती है और ना ही बॉलिंग होती है। दम नाली का गिरा हुआ प्लेयर बन गया है ये, जो किसी काम का नहीं। आरसीबी अपने 5 मैचों में 4 मैच तो हार ही गई है, ऐसे में ये प्लेऑफ से भी बाहर हो जाएगा। वैसे गाना याद आ रहा है आरसीबी वालों के लिए, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।